सियासी मंजरनामे पर अहम पेशरफ्त सामने आ रही है कि अलीम खान के खिलाफ वजीर आला उस्मान बुज़दार भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। अलीम खान बतौर वजीर आला किसी सूरत कबूल नहीं। बुज़दार का क़यादत को पैगाम, परवेज़ इलाही को मनसब दिया जाए या मेरे पास रहने दिया जाए, उस्मान बुज़दार ने कहा। खावर अब्बास डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो अलीम खान की कल की मीडिया टॉक और अब वजीर आला पंजाब अलीम खान के खिलाफ खुलकर सामने आ रहे हैं, खावर अब्बास। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो है तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप का एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें जो है उन्होंने अपने पंजाब हुकूमत पर तहफ़ुज़ात का इजहार किया था और उनकी जानिब से ये पैगाम पहुंचाया गया था। मुख्तलिफ़ रहनुमाओं सरदार उस्मान बुज़दार जो है वो किसी तौर पर कबूल नहीं है और हम इमरान खान के सिपाही उनके साथ खड़े हैं। और जिसके बाद आप देख रहे हैं कि सियासी हलचल मची हुई है और गुज़श्ता रोज से ही वज़ीर आला पंजाब जो है इस्लामाबाद में मौजूद है और आज अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। चौधरी शिजात और शिजात भी कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचने वाले हैं। तो इस दौरान जो है वो ज़राए ने दावा किया है कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से क़यादत को पैगाम भिजवाया गया है कि अगर आप चाहें तो मुतबादर वज़ीर आला के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही का नाम दिया जा सकता है, मगर अलीम खान को जो है उनका कहना है ज़राए का कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि किसी तौर कबूल नहीं करेंगे। इससे कबल जो है वो मुलाकात हुई थी जो हुकूमती वज़रा की, उस दौरान भी यही गुफ्तगू हुई थी कि जब अंदरूनी कहानी उसकी ज़राए से ये मालूम हुई थी कि वज़रा को काफिली की जाए से कहा गया था कि अगर आप चाहें तो वज़ीर आला पंजाब के तौर पर उस्मान बुज़दार को भी आगे जारी कर रख सकते हैं, मगर अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब के। खबर यहाँ पर, खबर एक सवाल यहाँ पर है कि उस्मान बुज़दार साहब कह रहे हैं कि वो किसी जो है सूरत कबूल नहीं है अलीम खान साहब, तो क्या उस्मान बुज़दार साहब भी को ग्रुप तश्कील दे रहे हैं कि वो इस तरह से पैगाम दे रहे हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने उस्मान बुज़दार साहब को लगाया तो एक ग्रुप तो अलीम खान के साथ है, तो क्या पार्टी में कोई और ग्रुप भी है जो उस्मान बुज़दार साहब के साथ है? जी बिल्कुल, देखिए कि ये जो अलीम तरीन ग्रुप है ये वो ग्रुप है जो नाराज अराकीन थे, जो उससे पहले से ही इस हवाले से खदशात का शिकार थे कि वजीर आला पंजाब जो है वो सरदार उस्मान बुज़दार को नहीं होना चाहिए। इससे कबल भी इस तरह की खबरें आती रही, वजीर के खिलाफ बयान आता रहे, सुबाई समनी थे वो वजीर आला के साथ मिलकर चल रहे थे और अपनी जमात के साथ खड़े हुए थे। इसके बाद बड़ा मसला आ रहा था इतिहादियों का, जिनके इतिहाद के साथ खबर अब्बास में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।